दोस्तों, यह जयसमंद बांध जो कि आप देख सकते हैं, इस बांध का निर्माण 1910 में किया गया था और जो कि आप देख सकते हैं ये करीबन 13-14 छतरियाँ है और इस बांध का निर्माण 1910 में यहाँ के राजा जयसिंह ने करवाया गया था और यहाँ पर कई मूवियों की शूटिंग हो रही है। अभिनेत्री वहीदा रहमान ने गाना गाया था कि आजा तुमको पुकारे मेरा गीत। यह गाना जो कि इसी बांध पर शूटिंग हुआ था और यह बांध जो राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के जैसमंद बांध से लिया गया था, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। और जो कि अलवर जिला में कई मूवियों की शूटिंग हो चुकी है, जैसे कि नीलकमल मूवी, चंबल की कसम, करण अर्जुन और साजन चले ससुराल। और जो कि आप सामने देख सकते हैं वो जैसमंद बांध का विश्राम गृह है, हम भी वहाँ आपको लेके चलेंगे। आइए दोस्तों। अलवर शहर महाराजा भर्तृहरि की तपोभूमि और पांडवों का इस छतरी के ये आप पिलर देख सकते हैं। और जो कि इस बांध का निर्माण 1910 में कराया गया था, जो कि 1914 में फिर से ये बांध बारिश के कारण टूट गया था। फिर दोबारा इस बांध का निर्माण 1924 में कराया गया था और अब आप देख सकते हैं। और जो कि ये आप देख सकते हैं ये जैसमंद बांध का विश्राम गृह है और हम आपको लेके चलते हैं। ये आप जैसमंद बांध का नज़ारा देखते हुए, जिगर पानी के यह बांध काफ़ी ऊंचा है और इस बांध का भराव करीबन 27 फुट के लगभग है, जो कि आप देख सकते हैं। और शायद यह विश्राम गृह बंद है, चलो देखते हैं। ये जैसमंद बांध का विश्राम गृह है जो कि आप देख सकते हैं, चलो अंदर चल के हम आपको बताते हैं। देखिए बारिश के कारण ये जैसमंद बांध जो कि सूखा है और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर जो कि बहुत कम पेड़ आपको नज़र आते हैं। और राजा महाराजाओं द्वारा बना यह बांध जो कि आज पूरी तरह बंजर हो चुका है। नीलकमल मूवी का एक शूटिंग कुछ यहाँ से हुई थी, जो कि हम आपको बता रहे हैं, यहाँ से एक शूटिंग हुई थी जो कि आप देख सकते हैं, जो कि ये 14 छतरियाँ हैं, यहीं से एक शूटिंग हुई थी, हम आपको बता देंगे, जो कि विंडो लगा देंगे, स्क्रीन शॉट में आप देख सकते हो। और ये यहाँ से उतरने का है, यहाँ से हम उतर के आपको दिखाएंगे और लोग लगा हुआ है। और ये आप देखिए इस समय यहाँ पर सीढ़ी होती है और ये सीढ़ियाँ लगी हुई है। एक सीन कुछ यहाँ का भी लिया गया था। और ये है जयसमंद बांध का विश्राम गृह जो कि आप देख सकते हैं, जो कि इस समय इसकी हालत बंजर दर दर हो चुकी है, क्योंकि अस्त सोने के कारण इसके विंडो कांच टूटे हुए हैं। और जो कि हम अंदर आपको लेके चलते हैं, इसके हालात दिखाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं ये गेट टूटे हुए हैं और आप देख सकते हैं लॉक लगे हुए हैं, टूटे हुए हैं और बोरिंग भी हो रखी है यहाँ पे। और चलो सीढ़ियों द्वारा हम आपको अंदर लेके चलते हैं। और ये हम आ गए हैं जयसमंद बांध के टॉप फ्लोर पे विश्राम गृह। और यहाँ का कुछ नज़ारा आप देख सकते हैं, ये 14 छतरियाँ बनी हुई है जो कि आप देख सकते हैं। और यह बांध अब पूरी तरह दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।